प्रिय मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टडी विद प्रदीप पे। दोस्तों, आज हम चर्चा करने चल रहे हैं यूपीएसआई की एग्जाम डेट के बारे में। एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकते हैं उसके बारे में चर्चा करेंगे। साथ में ब्रेकिंग न्यूज में हम आपको बताने वाले हैं प्रिपरेशन स्ट्रेटजी और प्रिपरेशन मेथड, यानी तरीका क्या होगा और रणनीति क्या होगी, इन दोनों पर चर्चा करने वाले। तैयारी की रणनीति और तैयारी की क्या तरीका, तैयारी का तरीका और तैयारी की रणनीति, दोनों पे चर्चा करने वाले हैं। आप जरूर पूरा वीडियो देखिए, मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ पूरा वीडियो देख लेंगे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि आपका सिलेक्शन पक्का होगा अगर आप इस मेथड को फॉलो कर लेते हैं तो। ठीक, मैं आपको बता दूँ, आपके लाइफ में दोबारा इतनी बड़ी एसआई की भर्ती आपको दोबारा नहीं मिलने वाली, चाहे आप जनरल के अभ्यर्थी हों, ओबीसी हों, एससी हों, एसटी हों, किसी भी कास्ट के आप अभ्यर्थी हों, मैं गारंटी से लिखित दे दूँ कि इतनी बड़ी वैकेंसी आपके लाइफ में दोबारा आपको नहीं मिलने वाली है। आप चाहे इसे मुझे जो भी समझें, लेकिन ये सच है कि आप के लाइफ में दोबारा दूसरी ऐसी वैकेंसी आपको नहीं मिलेगी। यानी इस बार आपको एन केन प्रकारेण कल बल छल कपट, यानी आप जितना संघर्ष कर सकते हैं, जितना पसीना बहा सकते हैं, जितना पढ़ सकते हैं, जितना परिश्रम कर सकते हैं, जितना रट सकते हैं उतना रट लीजिए, क्योंकि अब आपके इंतजार की बारी नहीं है, अब आपकी तैयारी की बारी है। तो तैयारी की बारी में जुट जाइए, जितना मत सकते उतना मथिए, जितना मक्खन निकाल सकते उतना मक्खन निकालिए, अपनी तैयारी को स्ट्रांग करिए और सिलेक्शन लेके जाइए। दरोगा बन करके आप फिर हमें व्हाट्सअप करिएगा, मैसेज करिएगा, आपके दरोगा बनने तक हम आपका इंतजार करेंगे। चलिए प्रिपरेशन मेथड के बारे में चर्चा करते हैं। प्रिपरेशन तरीका क्या है, आपका तरीका होगा, हो सकता है आप कहीं पे अगर रूरल सेक्टर्स होंगे तो ऑफलाइन कोचिंग चल रही होंगी, ऑफलाइन पढ़ रहे होंगे, या किसी ऑनलाइन चैनल से परचेज किए होंगे अपना मटेरियल, या किसी ऑनलाइन फ्री वाले चैनल से पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है आप खुद से सेल्फ से पढ़ रहे होंगे, या हो सकता है आपके पास प्रिपरेशन पहले का होगा, उसके नोट्स वगैरह होंगे, उससे तैयारी, मतलब कोई ना कोई आपके पास एक मेथड होगा, सोर्स होगा, तरीका होगा, बुक होगी, किताब होगा, नोट्स होगा, जिसके माध्यम से आप पढ़ रहे होंगे, हाँ या ना। तो आप अपनी तैयारी तो ऑलरेडी शुरू कर दी है, आप अपना प्लानिंग भी बनाए होंगे, आपका प्लानर भी होगा, लेकिन उस प्लानर में थोड़ा सा मिस्टेक है, उस मिस्टेक को मैं सुधार रहा हूँ। सबसे पहले, आप में से 90% लोग, मैं गारंटी से कह रहा हूँ, जिनके पास सिलेबस नहीं है, जी हाँ, हिंदी में अगर कहें तो पाठ्यक्रम आपके पास नहीं है, 90% लोगों के पास पाठ्यक्रम नहीं। आज आप जाइए मार्केट में, अभी जाइए, तुरंत जाइए, आपके पास जो भी संसाधन है, पास में मार्केट हो या दूर हो, अगर आपको नौकरी चाहिए तो तुरंत आप एक्टिव हो जाइए, अभी जाइए और पाठ्यक्रम लेके आइए, या मोबाइल से डाउनलोड करिए, अपने कॉपी पे पेन डाउन करिए, उसे लिखिए, पाठ्यक्रम को पूरा नोट करिए, और पाठ्यक्रम को नोट करने के बाद उस पर टिक करिए। 3 पेन रखना होगा आपको अपने पास, जी हाँ, आप सही समझ रहे हैं, पूरी बात को ध्यान से सुनिएगा, आपको पास 3 पेन रखना होगा, एक पेन आपकी ग्रीन कलर की होगी, एक पेन आपकी रेड कलर की होगी, तो मान लेते हैं ब्लू कलर की हो गई, उसके बाद दूसरी पेन आपकी रेड कलर की हो गई, तीसरी पेन आपकी ग्रीन कलर की हो गई, तीनों कलर का हम काम बता रहे हैं। पहले आप रेड पेन से उन टॉपिक को काटेंगे जो टॉपिक आपकी तैयार हो गई है, जी हाँ, पहले सिलेबस को आप एक कॉपी पे नोट करिए पूरा, जैसे मान लेते हैं हिंदी आप पढ़ रहे हैं, हिंदी में सिलेबस को नोट करिए, और आपको संधि पूरी तैयार होगी तो उसको रेड पेन से काट दीजिए, किससे काट दीजिए, रेड पेन से काट दीजिए। अब इसको थोड़ा सा, एक मिनट, आपने 3 पेन लिया है, फिर से एक बात मैं आपको बताऊँ, 3 पेन रखे हैं, एक पेन आपकी ब्लू है, एक पेन आपकी ग्रीन थी, और एक पेन आपका क्या था, रेड था, ठीक। अब इसके बाद आपको क्या करना है कि आपको इनमें से, इसको हम थोड़ा सा कलर चेंज करें जिससे हम बता सकें, हाँ, अब इनमें से आपका जो भी टॉपिक है तैयार हो गया, उसमें से उस टॉपिक को आप काट दीजिए रेड पेन से, उसे क्या करिए, काट दीजिए, कट गया, जिस टॉपिक नहीं तैयार उस पर ग्रीन पेन लगाइए कि अभी हमको इसको तैयार करना है, और ब्लू वाले पे भी ग्रीन पेन लगाइए कि इसे हमें आज ही तैयार करना है, यानी एक आपका कंटिन्यू चल रहा है, एक तुरंत तैयार करना है एक डेट में, इस तरह से 3 पेन का आपको उपयोग करना है। पेन नहीं हो, पेंसिल हो, आप बस अपने समझने के लिए स्केच पेन ले लीजिए, कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको सच में ये करना है, स्केच पेन ले लीजिए, आप इस मेथड को फॉलो करिए कि कौन सी टॉपिक तैयार हुई, कौन सी नहीं तैयार हुई, पहला काम ये है आपका तरीका। तरीका यही नहीं है बल्कि आपको, अब मैं आपको बता रहा हूँ स्ट्रेटजी, रणनीति में तरीका को भी ऐड करके हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। मैं आपको बता दूँ, जैसे आपके कोर्स में जीएस है, ठीक है, इसको हटाते हैं यहाँ से, जीएस है, हिंदी है, रीजनिंग है और मैथ है, आप इन 3 पोर्शन पे, कौन से इन 3 पोर्शन पे, मैं गारंटी से कह रहा हूँ कि अगर आप कमांड कर लेते हैं सिर्फ इन 3 पोर्शन पे, मैथ पे, रीजनिंग पे और हिंदी पे, तो भी आप सिलेक्टेड हो जाएंगे। आपने क्या सुना, आपका सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन 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 थमिए,
अगर आप जीएस को भी तैयार करते हैं तो आपके लिए और बेनिफिशियल है। अब आप कहेंगे साहब आप क्या दो अर्थी बात करें, दो अर्थी बात यह है कि इसमें से कम आपके तीन पोर्शन पे आपका फुल कमांड होना चाहिए। कितने पे? तीन पोर्शन पे। दूसरी चीज, आपने अगर मैथ का कोर्स देखा होगा तो मैथ के कोर्स में आधा कोर्स रीजनिंग का है, मैथ के कोर्स में आधा कोर्स आपका रीजनिंग का है और मैथ है ही है। तो अगर आप मैथ को अच्छी से तैयार करते हैं तो मैथ और रीजनिंग आपका तैयार हो जाता है, और हिंदी पे बलपूर्वक तैयार कर लीजिए, बहुत जगह काम देगा। अगर ये तीन सेक्शन आपके तैयार हो गए और इस सेक्शन में जीएस के पोर्शन में आपको क्या करना है, जीएस के पोर्शन में लूसेंट हो आपके पास, परीक्षा वाणी हो, घटना चक्र हो, कोई एक किताब हो, उससे जितने क्वेश्चन पूछे गए वो सभी क्वेश्चन आप तैयार कर डालिए, जितने आपके उसमें वन लाइनर में पीछे आपके अनुच्छेद अनुसूची सब दी गई वो तैयार कर डालिए, जो फेमस घटनाएं उसे तैयार कर डालिए, पूरा संविधान तैयार कर डालिए, तब भी आपका 10 क्वेश्चन हो जाएगा। पूरी मूल विधि तैयार कर डालिए, 10 क्वेश्चन हो जाएगा, 20 क्वेश्चन गया, 20 क्वेश्चन जीएस से, सामान्य विज्ञान, भूगोल, अर्थशास्त्र, नागरिक शास्त्र, भारत, राज्य, राजधानियां, ये सब चीज़ें कॉमन चीज़ें जीके के जो चीज़ें हैं उसे तो आप तैयार कर ही रहे हैं, उत्तर प्रदेश स्पेशल आप तैयार कर ही रहे हैं। तो जीएस में बहुत बड़ा सेक्शन है, जीएस के बड़े सेक्शन को कम करने के लिए आप उसमें कुछ स्ट्रेटजी बना करके काम कर लीजिए जो आपके लिए हेल्पफुल हो। यानी जीएस में आप संविधान पहले याद कर लीजिए, फिर आप मूल विधि याद कर लीजिए, कॉमन चैप्टर याद कर लीजिए, जो टफ चैप्टर उसे छोड़ दीजिए, ठीक। उसके बाद जीएस में आ जाइए, जैसे विज्ञान आसान पड़ रहा है विज्ञान याद कर लीजिए, इतिहास भूगोल के अभ्यर्थी इतिहास भूगोल याद कर लीजिए, पॉइंट बना लीजिए कितनी चीज़ें याद करनी। लेकिन इन तीन पोर्शन पे स्कोर कार्ड अच्छा बनेगा आपका, मैथ पे, रीजनिंग पे और हिंदी पे। इनका क्वेश्चन आपके 40 के 40 क्वेश्चन जो आ रहे हैं, 50 के 50 जो भी क्वेश्चन आ रहे हैं, चाहे 40 आ रहे हों चाहे 50, जो भी आपके सिलेबस में मेंशन हो, उतने में कम से कम 198% आपका मार्क होना चाहिए। यानी हिंदी में 98%, रीजनिंग में 98%, मैथ में 98%। उसके बाद जीएस में आपका कम भी होगा तब भी कोई दिक्कत नहीं, यानी इतनी तैयारी करना है। अब मैं आपको बता देता हूँ आपके पास समय कितना है। समय आपके पास कुल मिला जुला करके अब आपके पास सिर्फ और सिर्फ 65 से 75 दिन का समय है। जी आप सही सुन रहे हैं, 65 से 75 दिन का समय है। 75 दिन के अंदर में आपका पेपर हो जाएगा। जो चैनल आपके, मैं नाम नहीं लूँगा, जिस चैनल ने आपको बहुत पहले कहा था जुलाई में पेपर होगा, वह चैनल जून में 27 तारीख को 100 दिन का बैच लेके आ रहा है। अब आप खुद सोच लीजिए, जो चैनल आपसे ये कह रहा था कि जुलाई में आपका पेपर होगा, आप लोग अंधभक्त बने होते हैं ना, मैं आपको बता रहा हूँ वही चैनल आपका जून से ही क्या ले आ रहा है, 100 दिन का कोर्स लेके आ रहा है और उसके पहले ही पेपर हो जाएगा। वो आपसे सिर्फ पैसा उगाही का एक जरिया बनाया जा रहा है। इस बात को नोट कर लीजिए, सितंबर लास्ट, अगस्त लास्ट, सितंबर के फर्स्ट वीक में आपका पेपर हो जाएगा। मान लेता हूँ 2 मिनट के लिए एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट हमारी गलत हो जाती है, आपका पेपर सितंबर लास्ट में होता है, अक्टूबर में होता है, तो भैया एक महीना पहले अगर आप तैयारी कर लेंगे तो क्या वो गाली देगा आपको, मारेगा? नहीं मारेगा ना, फिर प्रैक्टिस करिएगा। सितंबर अपना टारगेट मानिए, आपके पास 65 दिन है, कोर्स डिसाइड करिए, टॉपिक डिसाइड करिए और तीन टॉपिक पे आप कम से कम आज से आपको 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना है। जी हाँ, आज से आपको 8 से 9 घंटे पढ़ाई करना है, कम से कम 3 घंटे रीजनिंग, 3 घंटे आपको मैथ, 3 घंटे आपको जीएस और यहाँ पे इसको मैथ और रीजनिंग के टाइम में नहीं घटा सकते, इसमें 3-3 दिन कर दीजिए, 3 दिन मैथ जीएस कर दीजिए, 3 दिन हिंदी कर दीजिए, इस तरह से आप डिवाइड करिए। चूंकि मैथ और रीजनिंग आपको सॉल्व करना होता है, उसमें टाइम टेकन होता है, उसमें टाइम लगते हैं, 9 से 10 घंटा की तैयारी अगर नहीं करते हैं तो आपके लिए दिक्कत हो जाएगी। दुनिया का कोई चैनल, दुनिया का कोई टीचर आपको पढ़ा नहीं सकता अगर आप पढ़ने की इच्छा नहीं रखते हैं। तो अभी पेन उठाइए, अभी से लग जाइए और फालतू बातें छोड़िए, अपने काम को आगे बढ़ाइए। इतनी बड़ी वैकेंसी जीवन में दोबारा नहीं मिलने वाली। मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि एक्सपेक्टेड डेट इसी में आपका सितंबर में आपका पेपर हो जाएगा, सितंबर के फर्स्ट वीक से सेकंड वीक तक आपका पेपर हो जाएगा। आप तैयारी ये मान करिए कि आपका 31 अगस्त को पेपर है, यही मान के आप तैयारी करिए कि आपका 31 अगस्त को पेपर है। TGT और PGT की डेट आपको बता दें कि पहले ही बताई गई थी कि अगस्त में होगी और अगस्त में डेट आ गई, सितंबर कहा जा रहा है, सितंबर पेपर हो जाएगा। सजग नहीं रहोगे तो पछताना पड़ जाएगा, इसलिए अभी से जुट जाइए, अपने दोस्तों को भी बताइए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए, जय हिंद। हाँ, साथ में मैं आपको बता दूँ PET की क्लासेस चैनल पर आपके लिए फ्री चलाई जा रही, यदि आप जुड़ना चाहते हैं तो उससे जुड़ जाइए। लेकिन जितने लोग SI की तैयारी कर रहे हैं, मैं उनसे फिर से कहूँगा कि आप PET छोड़ दीजिए, ELT छोड़ दीजिए, GIC छोड़ दीजिए,
क्या कहते हैं, टिचटी पिचटी छोड़ दीजिए, सब कुछ भूल जाइए, सिर्फ और सिर्फ आप ऐसा ही पढ़िए। इतनी बड़ी वैकेंसी, इतनी अच्छी वैकेंसी दोबारा आपके लाइफ में नहीं आने वाली है, इन्हें भुना लीजिए। यह वक्त चला जाएगा, फिर लौट के नहीं आएगा, फिर बैठ के पछताओगे, रोओगे, कुछ काम नहीं आएगा। इसलिए तुरंत जुट जाइए, अभी से जुट जाइए, और जितना बल पड़ सकता है, जितना कम काम कर सकते हैं करिए। नींद को त्याग दीजिए, मित्र त्याग दीजिए, घर द्वार त्याग दीजिए, रिश्तेदारी त्याग दीजिए, दोस्तों को त्याग दीजिए, सब कुछ त्याग दीजिए। दोबारा ये मिल जाएंगे, लेकिन नौकरी दोबारा, ये वैकेंसी दोबारा नहीं मिलेगी। तो फिर हम आपसे कह रहे हैं कि आप अपने दोस्तों को शेयर करिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जय हिंद।